हृदय का धड़कना तुमने कभी महसूस किया है? दौड़ लगाने के बाद तेजी से धड़कने दिल की आवाज तुमने जरूर सुनी होगी। कभी कभी डर जाने पर भी दिल की धड़क शायद तुमने सुनी हो। अपनी छाती पर हाथ रखो और खुद महसूस करो, छाती की कौन सी तरफ धड़कन ज्यादा ठीक से महसूस होती है? बाई तरफ धड़कन इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिल यानी हृदय छाती के पिछड़े यानी पिंजर के थोड़ा सा बाई तरफ होता है। क्या तुम जानते हो कि हमारा हृदय दिन में करीब 1,00,000 बार धड़कता है, यानी साल में करीब 3.5 करोड़ बार। बहुत मेहनत करता है और इसलिए यह शरीर का शायद सबसे ज्यादा हिम्मती और ताकतवर पुर्जा है। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। यह एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय यह ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। यह आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही यह पंप धक धक करता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले भाग में एट्रियम और नीचे वाले में वेंट्रिकल। तो यह हुआ बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम। तो नीचे वाले भाग के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बाया वेंट्रिकल और दाया वेंट्रिकल। हृदय किस तरीके से काम करता है? हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानव पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती है, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। हृदय से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दे तो कुल कितनी लंबाई होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्रों के बराबर। यह जो नीले ट्यूब वेन्स दिखाए गए हैं जो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध यानी जिनमें ऑक्सीजन कम है। शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट पांव इत्यादि निचले अंगों के इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ खुलने वाला सिर्फ एक तरफा खुलने वाला वॉल्व है। ऐसे और भी कई दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में जा चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वह उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ जाएंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने पर अंदर का द्रव पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन यह बाहर जाकर आखिर जाएगा कहाँ? शरीर में नहीं बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती है जहाँ इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। यह वो हवा है जो हम सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम के अंदर जाएगा। यहां पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा
तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चलाएगा, और जब वेंट्रिकल सिकुड़ जाएगा तब ये ऊपर खुलने वाले वाल से बाहर सिर भुजाओं के लिए पेट और पैर की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक हद तक यानी एक धड़कन बनता है और ये धक धक चलती रहती है, तो इसी तरीके से हमारा हृदय काम करता है और इसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है, फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर में वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ता है वापस फेफड़ों में। तो यह कहानी है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।